मैना मणिपुर के सबसे पुराने ऐसे भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। जबकि मणिपुरी पैना मणिपुरियों के कई मिथकों और किंवदंतियों के साथ जुड़ा हुआ है। पैना एक धनुषाकार वाद्य यंत्र है और इसमें मूल रूप से दो प्रमुख भाग होते हैं जिनका नाम है मरु और चेजिंग। यह मणिपुर के सांस्कृतिक इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। माना जाता है कि पैना मरु माता या पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है और चेजिंग पिता या आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। पैना न केवल वाद्य संगीत है बल्कि गीत या मुखर संगीत भी है और इस संगीत वाद्य यंत्र के गुंजायमान यंत्र को आज नारियल के खोल से बनाया जाता है। इसका घुमावदार धनुष भी लोहे से बना है और इसमें छोटी छोटी पीतल की घंटियों के साथ लोहे की छड़ होती है। पैना के साथ जुड़े मणिपुरी गीत बहुत ही अलौकिक और शाब्दिक दोनों व्याख्याओं के लिए अति संवेदनशील हैं और यह इस मोड़ पर है कि गुरुओं की शैली और तकनीक उनके व्यक्तित्व को दर्शाती है। पहले पैना गायक केवल पुरुष हुआ करते थे, हालांकि 20वीं शताब्दी के अंत से कुछ महिला पैना गायकों ने कला का अभ्यास करने और दुर्लभ और लुप्त प्राय संगीत प्रदर्शन को लोकप्रिय बनाने के लिए भाग लिया। मेरा जो कला है उसको कहते हैं पैना। ये मणिपुर का सबसे पुराना म्यूजिक माना जाता है। जब से मैं बहुत छोटा सा था तब से मेरा ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था तब से मैं इसको सीखना शुरू किया। बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी तथा अपने गुरु के मार्गदर्शन में इन्हें CCRT नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1985 में सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के तहत स्कॉलरशिप मिली। मेरा गुरुजी था थोंगाम थोइबा, उन्होंने मैं और मेरे दो दोस्त भी थे हम तीनों को उसने इतना इंस्पिरेशन दिया कि तुम लोगों को पढ़ना है उसके साथ साथ पैना भी पढ़ना है। तभी उन्होंने हमें एक चांस दिया था CCRT का स्कॉलरशिप, ऐसा जो है स्कूल जाने वाले स्टूडेंट उनको भी पढ़ाई के साथ साथ उनका जो अपना पसंदीदा कला जो है उसको भी सीखना है, उसी में CCRT स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तभी हमने उसको सुना जाना। तभी सो 1985 में मैं और मेरे दो दोस्त हम लोग अप्लाई किया। वी आर वेरी लकी, वी हम तीनों को सेलेक्ट किया। तभी से हमारा पैना को सीखना दूसरी तरफ ले गए थे और मेरा हमारा गुरुजी भी इतना खुश हुआ कि हम स्कूल भी जाते थे और उनके घर जाके पैना भी सीखते थे। श्री मयांक लंबम मंगांग साना मेते ने 1977 में गुरु लेमा पोकम याइमा से पैना संगीत सीखना शुरू किया और गुरु थोंगम थोइबा एवं गुरु खांगेमम मंगी से सीखना जारी रखा। जब मैं स्कॉलरशिप मिला तो मुझे I was around 5 or 6 standard. It means I was around 11-12 years old. क्या कहते हैं वो CCRT का स्कॉलरशिप जो था हमें बहुत इंस्पिरेशनल। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था 1986 में जो पटना में हुआ था नेशनल फोक म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल, उसी में मैं और मेरे दोस्त वहाँ पे पैना परफॉर्मेंस करने के लिए हमको सेलेक्ट किया था। That was a great experience for us. Then again, हमें हमारे गुरुजी के साथ
जो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस था लाई हराबो में पेनाफ हम सब में जाते थे उससे भी मोर देन दैट वी एबल टू गो टू द स्टेज परफॉर्मेंसेस एंड एकॉम्पेनी एज एकॉम्पेनिंग आर्टिस्ट इन द मणिपुरी डांस एंड डांस कंपोजिशन एंड डांस ड्रामास हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला। यहाँ पे एक यूथ फेस्टिवल हुआ था उसमें मुझे फर्स्ट पोजिशन मिला था और हाँ मिनिस्ट्री का जो जूनियर फेलोशिप मिला 206 में और सीनियर फेलोशिप भी 217 में मिला था और ऑफकोर्स संगीनाथ एकेडमी का जो था यंग अवार्ड उस्ताद बीस मिला खान वो हमने 208 में मिला था। मैंने एक फिल्म का म्यूजिक भी कंपोज किया मणिपुरी फिल्म वेरी शॉर्ट फिल्म जो उसमें जो पवन का था फुमसंग नाम वेरी शॉर्ट फिल्म में था उसमें मुझे बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर मिला था of one of the part of the this ongoing project which we call it cross transit ye indonesia cambodia myanmar nepal manipur japan ke sath ab hamara jo artist log jo hai wo usko ek sath karke ek cross transit project kehte hain hum isko ye bhi hum abhi chala rahe hain ye jo music college hai yahan pe kal se university ka music department jo hai yahan pe yahi se class hota hai और ये म्यूजिक कॉलेज मेरा जो मैं जब मेरा क्लास 10 पास हुआ था तब से इस वर्ष 1989 आई थिंक आई लर्न हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड आई लर्न अप टू 3 years बट आई कुड नॉट कंप्लीटेड द विसरर एंड एवरीथिंग आई हैव टू डू मोर विथ माय फोक म्यूजिक एंड यू नो एंड अदर एजुकेशनल एक्टिविटीज आई कुड नॉट अटेंड नथिंग मोर देन 3 years नाउ आई हैव टू चिल्ड्रेन मेरा बेटी जो है अभी 23 इयर्स ओल्ड एंड माय सन इज नाउ 19 इयर्स ओल्ड। ये हैं मंगंग साना मैते की पुत्री मंका मयांग लंबम। मंका ने कम उम्र से ही अपने पिता के लोक संगीत का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और आज अपने पिता के मार्गदर्शन में मणिपुर में विभिन्न समुदायों के लोक संगीत पर गहन शोध कर रही हैं। मेरा लड़की जो है वो सीसीआरटी का ये चिल्ड्रन का स्कॉलरशिप है वही मिला है उनका अभी मास्टर भी कंप्लीट हो चुका है सोशियोलॉजी में वो सीसीआरटी का बच्चों का स्कॉलरशिप उसको सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड देन she also completed CCRT's young scholarship it was usko bhi completed ho chuke hain folk song mein ye lai hui ensemble imphal ki ek kalakar hain aur all india radio 2019 ki grade 1 kalakar bhi hain hi I'm manka mayang lambam from manipur I'm a folk singer and just like my father I'm a scholarship holder A CCRT scholarship holder for both young and senior, and I feel proud of myself. And it's been like a tradition for our family. अब तक पुत्री मंका मयांग लंबम द्वारा सिखाए गए इनके 17 छात्रों को ऑल इंडिया रेडियो के बाल कलाकारों के रूप में जाना जाता है, और 3 छात्रों ने CCRT स्कॉलरशिप भी हासिल की है। और मेरा लड़का जो है, अभी स्कॉलरशिप मिल रहे हैं सीसीआरटी का उसको पेना में मिल रहे हैं फोक म्यूजिक में वो अभी बीएससी सेकेंड ईयर में है और पेना भी खूब सीख रहे हैं मेरे साथ और गुरुजी के साथ भी। और ये हैं मैते के पुत्र मार्जिंग मयांग लंबम। बचपन से ही पिताजी के साथ गुरु के मार्गदर्शन में बहुत कम उम्र से ही पैना संगीत सीखना शुरू कर दिया था। इन्होंने भी सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग द्वारा लोक संगीत पैना के क्षेत्र में छात्रवृत्ति 2014 में प्राप्त की है। जब मैं यंग था कोई ड्रामा चल रहा था मेरे मोरांग पर्व यानी कि खम्बथुइबी का जो प्ले क्या करता था उसमें मैं पैना बजाता था बैकग्राउंड में और बैकग्राउंड से कुछ गाने भी गाते थे उसमें माय वाइफ मेरी बीबी जो उसमें थोबी का रोल किया करता था उसमें जब वो खम्बा था खम्बा का रोल किया था उसको कुछ गाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया थे इसलिए डायरेक्टर जी ने मुझको
बुलाया और कहा तुमको खम्बा बनना है अभी। वो इट वॉज अराउंड 1993-94 आई थिंक 1991। तब से हम जान पहचान से लगा। उसके बाद अब टू आफ्टर वन ईयर्स आई प्रपोज हर एंड वी मैरिड इन 1993। उसके बाद उसने उसका वो कला जो था उसको छोड़ दिया, वो सारा काम छोड़ के घर संभालने लगे। तब से उनकी बेटी भी उसने संभाला, उनका बेटा भी उसने संभाला, मैं तो चल मैं घर छोड़ के चलने लगा परफॉर्मेंस करने और कोई कहीं किसी भी जगह पे जो सारा दुनिया घूमता रहा। तभी से मेरे दो बच्चे मेरी बीवी ने पाला बड़ा किया, उनका गुरु जी के पास भी उसने सोरा लेकर आया। इट वॉज क्वाइट अ बिग हेल्पफुल, आई मीन विदाउट हर माई फैमिली वुड नॉट बी कम्प्लीटेड। मंगांग साना ने 2012 से लाई हुई एंसेंबल में प्ले पैना नामक बच्चों के लिए एक निशुल्क कक्षा चलाने की पहल की थी। मंगांग साना से शिक्षा प्राप्त कई छात्रों ने पैना और लोक संगीत के क्षेत्र में पहचान और पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिनमें चार अन्य छात्रों को भी CCRT नई दिल्ली की प्रतिभा छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया। वे वर्तमान में कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में निर्देशक, संगीतकार और आर्टिस्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं। गुरुओं की शैली और तकनीक तथा कड़ी मेहनत व लगन का प्रमाण है कि मणिपुर के एक ही परिवार की दो पीढ़ियों को CCRT नई दिल्ली की प्रतिभा छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। मंगांग साना ने पैना और लोक संगीत के क्षेत्र में अपने पुत्र व पुत्री के साथ अपनी टीम तैयार की है, जो कि 2012 से लेकर आज भी बच्चों के लिए लाई हुई के प्ले पैना में मणिपुरी लोक संगीत यहां के बच्चों को निशुल्क सिखा रहे हैं। वे नाला इस नाला जे को लो
那个空格龙河。